हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुबीनास किचन। आज मैं आपके साथ अपने गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गाजर का हलवा बनाने के लिए पहले हम एक कढ़ाई में एक चम्मच भर के देसी घी डालेंगे। इसे मेल्ट होने दें। इसमें ये मैंने 2 किलो गाजर अच्छी तरीके से वॉश करके इसे कद्दूकस कर लिया है, वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसे मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। ढक्कन लगा दें। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। गाजरों का पानी सूख गया है काफी हद तक। इसे एक बार अच्छी तरीके से मिला दें। अब इसमें हम 2 कप भर के दूध डालेंगे एक एक करके। अच्छी तरीके से मिक्स करें। अब इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे। फिर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसे अच्छी तरीके से पकने दें। अब इसमें 1 कप भर के शक्कर डालेंगे। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। इसे ढक्कन लगा के पकने दें। हम फिर से एक बार हलवे को चेक कर लेते हैं। इसे अच्छी तरीके से हिलाएं, मिक्स करें। अब इसमें मैंने 1 चम्मच भर के देसी घी और डाला। फिर से ढक्कन लगा के पकने दें। हमारा गाजर का हलवा पक रहा है। जब तक हम एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। अब इसमें मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू बादाम। इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। थोड़ा फ्राई होने के बाद फिर हम इसमें किशमिश डालेंगे, उसे भी साथ में फ्राई करेंगे। किशमिश को ज़्यादा फ्राई करने से वो जल जाती है, इसलिए मैंने बाद में डाला उसे। अब हमारे हलवे को हम देख लेते हैं एक बार। अब इसमें हमारे जो फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स हैं हम इसमें डाल देंगे। और ये मैंने थोड़ा खोया लिया है, इसे भी हम इसमें डालेंगे। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हलवे को अच्छी तरीके से मिक्स करें और इसका पानी ड्राई हुए तक के हमें अच्छी तरीके से इसे पकाना है। ढक्कन लगा के इसे लो फ्लेम पे पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। हलवे में पानी बिल्कुल सूख चुका है और हमारा हलवा तैयार हो चुका है। ये लीजिए, हमारा टेस्टी टेस्टी गाजर का हलवा तैयार हो चुका है।
अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ गई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, और इसी तरह की टेस्टी और इजी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।